हम कट्टर भाजपाई है, हम कट्टर भाजपाई है, लेकिन अधिवक्ता हित के लिए हम बीजेपी का विरोध करेंगे। अब आम आदमी का लड़ाई लड़ेगा, नेता नहीं लड़ेगा, तभी उनको किनारे कर देंगे। 2 लाख अधिवक्ता है, अब डंडा उठाना पड़े, डंडा उठा लेंगे। जब तक किसी तरह कोई कार्रवाई पुलिस प्रशासन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं की जाएगी। कपूर की जो घटना हुई है, हम लोगों के साथ गलत हुआ, हमारे अधिवक्ता भाइयों के साथ गलत हुआ। वो न महिला देख रहे हैं, न पुरुष देख रहे हैं, किसी को नहीं देखा जा रहा है। हम सरकार से याचना करते हैं कि हम लोगों को बचाइए, हम लोगों को मानदेय नहीं दे पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग सुरक्षा तो बढ़ाइए। लगान हो चुकी है पुलिस। हापुड़ में जो अधिवक्ताओं के साथ पुलिस अधिकारियों ने बर्बरता की और गलत किया, उनको सस्पेंड किया जाए। फोर पीएम न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ क्षितिज कांत। तस्वीरें आप देख रहे हैं हापुड़ में जिस तरीके से पुलिस और वकील के बीच में जो घटना घटित हुई, उसके बाद लगातार आप देख रहे हैं वकील पूरे देश भर में आक्रोशित हैं। तस्वीरें आप बगल में भी देखेंगे तो बाईं तरफ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पुलिस बल भारी मात्रा में यहाँ पर मौजूद है। और पीछे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हाईकोर्ट के पास, राजधानी लखनऊ के पुराने हाईकोर्ट के पास वकील यहाँ पर आक्रोशित हैं, सभी अधिवक्ता आक्रोशित हैं और यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बात करते हैं, नाम क्या है सर आपका? एडवोकेट चाणक्य चौहान। सर, प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं आप लोग, कल के दिन जिस तरीके से हापुड़ में घटना घटित हुई, क्या कहेंगे? ऐसी घटना उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं के साथ, निहत्थे अधिवक्ताओं के साथ, 5 अधिवक्ताओं के साथ, सैकड़ों पुलिस वालों ने जो बहनों के साथ लाठीचार्ज किया है, जब तक वो सस्पेंड नहीं होते हैं हापुड़ के पुलिसकर्मी, तब तक ये आंदोलन जारी रखा जाएगा। अब आम अधिवक्ता लड़ेगा, अब नेताओं सारे नहीं रहेंगे, अब हर आम अधिवक्ता लड़ेगा लड़ाई, अब आम अधिवक्ता लड़ाई लड़ेगा, नेता नहीं लड़ेगी, तभी उनको किनारे कर देंगे। 2 लाख अधिवक्ता है, अब डंडा उठाना पड़े, डंडा उठा लेंगे। यहाँ पर भी पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है, क्या कुछ कहेंगे? यहाँ पुलिस प्रशासन मौजूद है और कल हापुड़ में जो घटना घटित हुई, पूरे प्रदेश भर में इसका आक्रोश, सभी अधिवक्ता आक्रोशित, पूरे प्रदेश के अधिवक्ता आक्रोशित है। पुलिस के द्वारा हापुड़ में जो शर्मनाक कृत्य किया गया है, हम अधिवक्ता के बड़े भाइयों और हमारी बहनों को नहीं छोड़ा, उनके तक जो है उनके साथ तक मारपीट की गई है। तो जब तक वहाँ जो भी दोषी पुलिसकर्मी है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, उनको सस्पेंड नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत नहीं होगा, तब तक यह हड़ताल प्रदेश व्यापी रहेगी। कोई भी अधिवक्ता कार्य नहीं करेगा और किसी भी पुलिसकर्मी को न्यायालय के अंदर आने की अनुमति नहीं होगी, जब तक किसी तरह कोई कार्रवाई पुलिस प्रशासन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं की जाएगी। क्या कहेंगे मैम? भाई, हापुड़ की जो घटना हुई है, हम लोगों के साथ गलत हुआ, हमारे अधिवक्ता भाइयों के साथ गलत हुआ। वो न महिला देख रहे हैं, न पुरुष देख रहे हैं, किसी को नहीं देखा जा रहा है कि किसी को देखा जाए। हमारा अधिकार है धरना देना, तो लोकतांत्रिक अधिकार है, तो क्यों नहीं हम लोग लाठीचार्ज की गई? सिर्फ लाठीचार्ज सिर्फ भीड़ को तितर बितर करने के लिए किया जा सकता है। इन्होंने स्तर पे मारा, हर जगह जगह मारा, घेर के मारा, मतलब आज के खिलाफ जाएंगे, कानून के खिलाफ जाएंगे और ये खड़े रहेंगे? क्यों खड़े हैं? लाठीचार्ज जैसी घटना जो हुई है, ये बिना उच्च अधिकारियों के अनुमोदन के नहीं होती है। इसमें प्रशासन के सत्ता भी इसमें इन्वॉल्व है। अधिवक्ताओं पर अगर लाठी चार्ज हो रहा है, प्रमुख सचिव के संज्ञान में हो रहा है, बिना मुख्यमंत्री के संज्ञान के नहीं हो रहा है, इसमें सत्ता का समर्थन है, इसलिए हम लोग आजीवन विरोध करने को तैयार है। अगर सरकार से भी आपकी नाराजगी है? हमें सत्ता से नाराजगी है, क्योंकि बिना प्रमुख सचिव के अनुमोदन के लाठी चार्ज नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं? हमारे अधिवक्ता भाई इस तरह मारे जा रहे हैं, इस सरकार में हमें भरोसा नहीं है। हम सरकार से याचना करते हैं कि हम लोगों को बचाइए, हम लोगों को मानदेय नहीं दे पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग सुरक्षा तो बढ़ाइए, पुलिस कमिश्नर हटना चाहिए, ये हम लोग शर्त है। हम लोग मुख्यमंत्री तक इसकी जो है ज्ञापन देंगे। एक तरफ सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, दूसरी तरफ लाठीचार्ज करवाती महिलाओं के ऊपर, यही है न्याय? झूठे मुकदमे लेके जा रहा है दिन जो है। अच्छा, क्या कह रहे हैं? महिलाओं का सशक्तिकरण कर रहे हैं, ऊपर से झूठे आरोप लगा के एफआईआर लिख रहे हैं महिलाओं के ऊपर। महिलाओं का ये क्या विरोध कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? बेलगाम हो चुकी है पुलिस। क्या मांगे क्या है? एडवोकेट प्रोटेक्शन है, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, तथा जो हापुड़ में जो अधिवक्ताओं के साथ पुलिस अधिकारियों ने बर्बरता की और गलत किया, उनको सस्पेंड किया जाए, नहीं तो यह हम लोगों की लड़ाई धीरे धीरे बीजेपी सरकार के खिलाफ हो जाएगी। हम कट्टर भाजपाई है, लेकिन अधिवक्ता हित के लिए
हम बीजेपी का विरोध करेंगे। हम लोग जब आम अधिवक्ता शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा था तो पुलिस कर्मियों को लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था, बगैर पुलिस कर्मी बगैर प्रमुख की जांच के ये नहीं करना चाहिए था। हमारी महिला अधिवक्ता हमारे पुलिस अधिवक्ता के साथ जो किया गया ये बहुत निंदनीय है। मैं सरकार से सबसे ये विरोध करूंगा, अनुरोध करूंगा कि उन पुलिस कर्मियों का बर्खास्त करें और एगो के एक प्रोटेक्शन है उत्तर प्रदेश में लागू हो ताकि अधिवक्ता सुरक्षा हो सके। जैसे महाभारत में द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो वो जो राजा था वो अंधा था, वैसे ही उत्तर प्रदेश में जब महिला अधिवक्ताओं का चीरहरण हो रहा है तो राजा अंधा है और अंधा का जो है उसका अंत जरूर होता है और उसका अंत अधिवक्ता ही करेंगे। अधिवक्ता एक लागू होना चाहिए, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक लागू होना चाहिए जिससे अधिवक्ताओं की सुरक्षा हो सके। हर डिपार्टमेंट का अपना अपने एक अधिवक्ता प्रोटेक्शन है, लेकिन हमारे अधिवक्ताओं का कोई अधिवक्ता प्रोटेक्शन है ही नहीं जिसको गवर्नमेंट लागू नहीं कर रही है। महिला से क्या मांगी है? महिला के ऊपर जो लाठीचार्ज किया गया है इसका बदला जरूर लिया जाएगा सरकार से, चाहे जो भी हो जाए तरीके का बदला लेंगे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का। हमारे अधिवक्ता बंधुओं ने अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, उनका विरोध करने के लिए प्रशासन ने बलपूर्वक प्रदर्शन कब तक चलता रहेगा? जब तक चलता रहेगा, जब तक उसकी मांगे पूरी हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक चलता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा। आप ये देख रहे तस्वीरें राजधानी लखनऊ के पुराने हाईकोर्ट के पास में है। तमाम अधिवक्ता यहाँ पीछे आप देख पा रहे हैं, धीरे धीरे ये भीड़ बढ़ती जा रही, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर अधिवक्ता मौजूद है। बगल में पुलिस प्रशासन आप देख पा रहे, तस्वीरें आपके सामने है राजधानी लखनऊ के पुराने हाईकोर्ट के पास की ये तस्वीरें है। साफ है हापुड़ में जिस तरीके की घटना घटित हुई है, वकीलों को जिस तरीके से दौड़ा करके पुलिस कर्मियों ने मारा है, वकीलों को अब महिला वकीलों को मारा है, उस पर पूरे प्रदेश भर के जो वकील हैं जो अधिवक्ता हैं वो आक्रोशित हैं, साफ तौर से मांगे कर रहे हैं कि उन पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया जाए। देखने वाली बात होगी जिस तरीके से अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि सरकार मांगे माने और जो पुलिस कर्मियों ने जिस तरीके से लाठीचार्ज किया उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। देखने वाली बात होगी क्या कुछ करती है सरकार और क्या कुछ होता है इस पूरे मामले पर। सभी प्रदर्शन कर रहे हैं, इस मामले से जुड़ी हुई सारी अपडेट आपके पास मैं पहुंचाता रहूंगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।